स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ एंडी में। और आज हमारे इस प्रोग्राम अंदर की बात में हम बात करेंगे कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जब महाराष्ट्र के पूना में कार्यक्रम में शामिल हुए तो वहाँ उन्होंने अपने दिल की क्या क्या बातें करी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वो जो बेल नोटिफिकेशन वाली घंटी होती है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आप सभी जानते होंगे कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार वैसे तो महाराष्ट्र के अलग अलग मौक़ों पर 4 बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन कभी भी सत्ता को सही से भोग लेने का वो मज़ा नहीं ले पाए हैं। जी हाँ, जब भी सीएम बने हड़बड़ी में ही बने। शायद उनके दिल में ये मलाल है, लेकिन उनकी राजनीति कुछ हद तक बाकी नेताओं से काफ़ी अच्छी रही, ये उनकी बातों से साबित हो रहा है। तो भैया, जब शरद पवार जी से पूछा गया मोदी जी के बारे में तो उन्होंने कहा कि मोदी जी से मेरा ना कभी कोई बैर था ना ही कभी होगा। साथ ही साथ आने वाली संभावनाओं पर भी उन्होंने बात करी। पहले बता दें कि शरद पवार ने जब इस कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले समय में वो बीजेपी के साथ महाराष्ट्र की सरकार में हाथ मिला सकते हैं, तो उनका क्या जवाब था। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि शरद पवार ने और क्या क्या पुरानी बातें बताई। जी हाँ, आप जानते होंगे कि यूपीए की सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि किस तरह से यूपीए सरकार में कुछ मंत्री हमेशा उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा अपोज ही करते थे, और ऐसे में शरद पवार ही थे जो कि अपनी ही पार्टी के लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि भाई भले ही नरेंद्र मोदी आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लोगों ने उन्हें चुना है, उनसे इतना बैर ना पालिए कि आप उनके राज्य के लोगों का भी हक खा लें। और यही नहीं, शरद पवार ने ये भी बताया कि इसमें उनका साथ उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी देते थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी नहीं पसंद था कि कोई भी राजनीति में इस हद तक गिर जाए कि सामने वाले की हर बात पर आप उन्हें अपोज करें। और यही होता था यूपीए सरकार की उस वक्त की गुप्त बैठकों में। तो आने वाले समय में क्या शरद पवार, जो इतनी तारीफ करते हुए दिखे मोदी जी की, जिन्होंने ये भी कहा कि मैं मोदी जी के कामों से बहुत खुश हूँ, वो जो मान लेते हैं वो ठान लेते हैं, और जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, उन्होंने सत्ता को बहुत अच्छे से चलाया है। तो ऐसे में जब शरद पवार से पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र में वो उनके साथ गठबंधन करेंगे, तो शरद पवार का जवाब था नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मुझसे भी बात करी थी और ऐसे में मैंने उन्हें भी मना किया था। आप जानते होंगे 2019 में जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार 3 दिनों के लिए बीजेपी की सत्ता बनवा आए थे, तो उस वक्त शरद पवार पर उंगलियां उठी थी, लेकिन शरद पवार ने भी इस पर बात जो है अब साफ कर दी है। उनका कहना था कि भाई अगर मैंने अजीत पवार को भेजा होता ना तो वो सरकार कभी गिरती नहीं, मैं पूरी कोशिश करता कि वो सरकार हमेशा चलती, लेकिन आज आने वाले समय में मैं अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखता ही नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई यंग पॉलिटिशियन लीड करे, और जो लीड करेगा मैं उसका मार्गदर्शक बनना चाहता हूँ। शरद पवार ने कहा कि मैं यूपीए सरकार की तरह कभी भी बदले की राजनीति नहीं करता, और ऐसे में आने वाले समय में भी मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है, यानी कि मुझे सीएम सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सीएम कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे इसका लोभ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनूं। साथ ही साथ कांग्रेस के भविष्य के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ बता दिया। कांग्रेस इस वक्त पिछड़ रही है, इस बात से किसी को भी कोई शक नहीं है, लेकिन शरद पवार ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी के सामने खड़े होने लायक कोई नेशनल पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है, और जब मैंने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी तो उसके बावजूद मैंने नेहरू और गांधी की विचारधाराओं का पीछा नहीं छोड़ा था, आज भी मैं उन्हीं विचारधाराओं पर चल रहा हूँ और आगे भी चलता रहूँगा। तो ये सब बातें शरद पवार ने कही, लेकिन अब अंदर की बात यह है कि शरद पवार ने ऐसी बातें क्यों कही। तो भैया, आप जानते होंगे कि अभी
उन्हीं के पार्टी के अनिल देशमुख कितनी ज़्यादा मुसीबत में हैं। ईडी, सीबीआई सभी उनके पीछे पड़े हैं 100 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और ऐसे में शरद पवार काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अगर अनिल देशमुख फंसे तो एनसीपी, शिवसेना सबके सब फंसेंगे। और ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, ये खतरे में आ जाएगी। तो ऐसे में शरद पवार कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही सेफली खेलें। ना ही तो वो शिवसेना से अलग होना चाहते हैं, ना ही वो यूपीए से बैठ चाहते हैं। और बीजेपी, जिसको जानते हैं वो कि इस वक्त सत्ता में काफ़ी मजबूत है वो, और आने वाले समय में ही रहेगी, तो ऐसे में वो बीजेपी से भी बैर नहीं लेना चाहते हैं। तो यही है सेफ पॉलिटिक्स शरद पवार की, जो वो खेलते आए हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।